हेलो फ्रेंड्स, आपने आलू की रेसिपी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज बिल्कुल चटपटे स्वाद में आज बनने जा रही है ये नाश्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आलू लिए हैं, तो 4 पीस। आपके आलू जो है आपको लंबे साइज के लेने हैं, इस तरीके से इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लीजिएगा। तो सभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चलिए एक मिक्सिंग बाउल में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पानी से छान लिया है और छानने के बाद इसे हम निकाल रहे हैं एक मिक्सिंग बाउल में। अब इसके लिए हमें करना क्या है, अब इसके हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे करते हैं साइड में। अब हम यहाँ पर एक मिक्सर का जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और अब इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां 6 से 7 पीस, और इसमें डाल दीजिए चटपटे स्वाद के लिए यहाँ पर हरी मिर्च। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का भी यूज किया है, तो मैंने 3 पीस लाल मिर्च ली है सूखी वाली और इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अच्छा सा मतलब यहाँ पर धनिया की पत्ती को ले लेना है, अच्छे से वॉश करके लीजिएगा, 1/2 पंच ले लीजिएगा। और अब यहाँ पर डाल दीजिए बिल्कुल गाढ़ी दही, 2 चम्मच यहाँ पर दही डाल दीजिएगा। इससे ना ये इस चटपटे का नाश्ते का जो है बिल्कुल स्वाद आपका डबल हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्सर जार को अच्छे से चला लीजिएगा, यानी कि इसको पेस्ट बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती हो तो आप 1 चम्मच यहाँ पर पानी डालिएगा, ज्यादा पानी यहाँ पर नहीं यूज करिएगा, नहीं तो बहुत यहाँ पर पतली सी हो जाएगी ये आपकी चटनी जो बन जाएगी। अगर आपके पास अलग से धनिया पत्ती की चटनी बनी हो तो आप यहाँ पर वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार से मैंने इसमें डाल दिया है जो भी मैंने पेस्ट बनाया था, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया है इस आलूओं में। अब इसमें थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए, और थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर का यूज किया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर काला नमक का यूज भी कर सकते हैं, आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे आप और भी चटपटा बना सकते हैं। अब इसमें डाल सकते दीजिए कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये जो है फ्रेंच फ्राई आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस तरीके से आप एक बार फ्रेंच फ्राई को बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल लाजवाब बनने वाली है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम मैदा का यूज करने वाले हैं, तो मैदा यहाँ पर हम 3 चम्मच बड़े चम्मच से डालेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज कर लीजिएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप अरारोट पाउडर यूज कर सकते हैं, चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से बहुत अच्छा सा क्रिस्पी होता है ये। तो चलिए अगर आपके पास जो भी हो अवेलेबल आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, आप हाथ का भी यूज कर सकते हैं, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मेरा ड्राई हो गया है ना। अगर आपका जो है ये बैटर जो है थोड़ा सा पानी पानी सा हो रहा हो, लिक्विड हो रहा ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर की को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसे अच्छे से इस तरीके से हमें बना कर लेना है, यानी कि एक एक आलू में अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो गई है, इसी तरीके से हमें कर लेना है। अब मैंने गैस पे रख दिया है तेल को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पर इसे आप गर्म कीजिएगा, ज्यादा हाई पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा आपके आलू जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब मीडियम फ्लेम पर ही इसे आपको फ्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्पेस हो आप उतना ही यहाँ पर डालिएगा, ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो एक दूसरे से ये चिपकने लगेंगे। तो यहाँ पर बस जितना स्पेस हो आप अलग अलग करके इस तरीके से आप इसमें तेल में जो है ऑयल में आप डीप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने डीप कर लिया है। तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बिल्कुल चटपटे स्वाद में आपको मिलेगा। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा। आप बाहर के जो फ्रेंच फ्राई जो आप खाते हैं ना वो भूल जाएंगे, इस तरीके से बहुत ही चटपटी स्वाद में आती है ये। अगर कोई गेस्ट भी आ गया, कोई मेहमान आ गया और आपके पास कुछ नहीं हो, तो फटाफट से ये रेसिपी आप तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो बस कुछ सेकंड के बाद इसे आप ना टर्न कर लीजिएगा, जब ऊपर की लेयर बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो बस इस तरीके से आप कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक, और इसका कलर होने से देख सकते हैं कलर, तो इस तरीके से करने में मुझे बहुत ही कम समय लगे हैं। तो और ये बहुत ही क्रिस्पी और चटाकेदार ये फ्रेंच फ्राई बनकर के तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर से कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। बहुत ही चटाकेदार ये फ्रेंच फ्राई बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से बाकी जो बैच है सभी को फ्राई करके आप निकाल लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं
एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। अब फीडबैक मुझे जरूर से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना